हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा इस वीडियो में हम लोग झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा तो क्वेश्चन वन देखते हैं विच प्लेस इज आल्सो नोन एज शिमला ऑफ झारखंड शिमला ऑफ झारखंड के नाम से किस प्लेस को जाना जाता है तो करेक्ट आंसर है नेतरहाट क्वेश्चन नंबर टू है बिहार इज लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ झारखंड बिहार झारखंड के किस साइड में सिचुएटेड है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ साइड क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ऑफ द आदिवासी इन झारखंड तो इसका करेक्ट आंसर है सरूल क्वेश्चन नंबर फोर द पारसनाथ हिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट करेक्ट ऑप्शन है ग्रिडी डिस्टिक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन इज़ नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज़ द झारखंड एरिया रैंक इन इंडिया इंडिया में झारखंड का एरिया वाइज कौन सा रैंक है तो करेक्ट ऑप्शन है सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाय एरिया वाइज एरिया वाइज झारखंड का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है करेक्ट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम क्वेश्चन नंबर एट विच हिल स्टेशन ऑफ झारखंड इज नोन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किस हिल स्टेशन को जाना जाता है तो करेक्ट आंसर है नेतरहाट क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड एलेवन सेंसस टू थाउजेंड इलेवन सेंसेस के अकॉर्डिंग झारखंड में साक्षरता दर कितनी थी तो करेक्ट आंसर है सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर वन परसेंट क्वेश्चन नंबर टेन है ऑन विच रिवर इज़ द तिलैया डैम बिल्ट करेक्ट ऑप्शन है बरकार क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल करेक्ट आंसर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑन विच रिवर इज द तेनुघाट डैम बिल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है दामोदर क्वेश्चन नंबर थर्टीन तोराई डैम इज सिचुएटेड इन तो आंसर है इसका पाकुर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है गैतलसूद डैम इज सिचुएटेड इन आंसर है रांची क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑन विच रिवर इज़ द घारी डैम बिल्ट जो घारी डैम है वो किस रिवर पे बना हुआ है तो आंसर है सुवर्ण रेखा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट तो करेक्ट आंसर है जमशेदपुर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू क्वेश्चन नंबर एटीन है बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर तो करेक्ट आंसर है लायंस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच वन इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ झारखंड झारखंड का सबसे हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है पारसनाथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विथ हाउ मेनी स्टेट झारखंड शेयर इट्स बाउंड्री झारखंड अपनी बाउंड्री किन किन स्टेट के साथ शेयर करता है तो देखिए झारखंड अपनी बाउंड्री टोटल पाँच स्टेट के साथ शेयर करता है नॉर्थ में बिहार से नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश से और वेस्ट में छत्तीसगढ़ से साउथ में उड़ीसा से और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से ठीक है इसको आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा तो ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच वन इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड तो आंसर है इसका लोध वाटरफॉल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है द हुंड्रो फॉल इज क्रिएटेड बाय विच रिवर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच रिवर ऑफ झारखंड इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डेजर्ट बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से झारखंड के किस रिवर को जाना जाता है तो करेक्ट आंसर है दामोदर रिवर अब देखिए इसी वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट है बेतला नेशनल पार्क और ये कहाँ सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू में सेकेंड है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है जमशेदपुर में है थर्ड है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है तो कोडरमा नेक्स्ट है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है यहाँ रांची लिखा हुआ है आप लोग ऐड कर लीजिएगा हजारीबाग नेक्स्ट है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कहाँ है कोडरमा में है नेक्स्ट है पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ है यह है डाल्टिन गंज में लास्ट है हमारा उदवा लेक बर्ड सेंचुरी तो उदवा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है उदवा में है ठीक है